अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। फसीह शर्जील आर्ट ऑफ कुकिंग में आज हम जो अच्छी सी रेसिपी बनाने लगे हैं, बहुत ही मज़े की टेस्टी। आजकल जो है बड़ी मिर्ची बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो आपने क्या करना है, बड़ी मिर्ची लेके जी। तो मैं आज आपको बहुत ही मज़े की चिली जो है बाइट्स बनाना बताऊँगी, चीज़ चिली बाइट्स। तो ये आप रमज़ान में बनाइए, अपनी अफ्तारी में बनाइए और सबको बहुत मज़े की लगेगी। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये हमने लिया है आधा पाव कीमा चिकन का, साथ में मैंने ये ली है मिर्चें बड़ी वाली और इसको इसे सीड निकाल लिए हैं, ये देखिए। साथ में हमने 2 टेबल स्पून केचप ली है, ये गार्लिक पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, लेंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून, साथ में हम लेंगे ये रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, ये हमने लिए है चेडर चीज़, और साथ में हम लेंगे ये योगर्ट, साथ में हम 2 अंडे, साथ में ब्रेड क्रम्स, और ये हमने लिया है मैदा कोटिंग के लिए, और ऑयल हम लेंगे फ्राई के लिए जी। ये हमने एक बॉल लिया, इसके अंदर ये डाल देंगे कीमा चिकन का, साथ में हम ये योगर्ट ऐड कर देंगे। इसके अंदर योगर्ट ऐड कर दिया है, साथ में हम ऐड करेंगे इसके अंदर ये केचप, ये देखिए इसमें हमने केचप ऐड कर दी। सारे जितने भी मसाले हम ये इसमें ऐड कर देंगे और इनको हम मिक्स करेंगे, और अब मैंने जो है तेल डालेंगे हम और इसको हम पकाएंगे। ये देखिए, ये अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, और इसको अब हम जो है वो पकाएंगे। ये ढक के मैं पका रही हूँ हल्की आँच में, और इसको थोड़ा सा मैंने जो है इस तरह से कर दिया है कि ये अलग अलग हो जाए। बस ये जैसे इसका पानी ड्राई होता है तो फिर हम इसको बनाते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये अब हम क्या करेंगे, हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है, अब हम जो है इसके अंदर फिलिंग करेंगे। ये देखिए हमने एक मिर्च ली, इसके अंदर इस तरह से ये भरा हमने चिकन, और साथ में हमने ये चीज़ मैंने कट की है चेडर, और इसके अंदर मैंने ऐसे रख दी। इसको हमने बंद कर लेना है और इस तरह से आपने इसके ऊपर ये कोट कर देना सारा। साथ में हमने ये इसके ऊपर अंडा लगाना है, और इसके अंदर अब हम साथ में ये ब्रेड क्रम लगाएंगे इस पे। तो ये देखिए इस तरह से हम बनाते जाएंगे। ये हमने इसको ओपन किया, इसके अंदर ये फिलिंग डाली, और साथ में एक ये स्लाइस रख दिया चीज़ का, साथ इसको टाइटली बंद कर दें। ऐसे आप इसको लगाना है, और अब मैं बाकी भी ऐसे रेडी कर लूँगी। ये मैंने जो है अब इनको जो है वो
मिर्ची मैं डालूंगी इसको फ्राई करने के लिए। ये देखिए इस तरह से आपने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। जब इसको थोड़ी सी हो जाती क्रिस्पी तो हम इसको ज़रा सा हिलाएंगे ताकि ये सारी साइड से ये क्रिस्पी हो जाए। देखिए अच्छे से फ्राई हो रही है और बस ये थोड़ी सी देर और फ्राई हो जाएगी तो हम इसको निकालेंगे हल्का सा। हमने लाइट ब्राउन कलर करना है इसका। ये देखिए फ्राई हो चुकी है, हम इसको निकालेंगे। ये देखिए बड़ी अच्छी फ्राई हुई है, ये हम इनको निकाल रहे हैं।